हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीना जैन। आप सबका मेरी चैनल हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है। आज हम क्रीम पनीर पिज्जा बनाने वाले हैं। आज की रेसिपी में आपको थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी, पर बिल्कुल बाहर जैसा ही टेस्टी पिज्जा खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है ना। चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को बिना भूले क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको रूटीन मिलती रहे। पिज्जा का बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप से थोड़ा ज्यादा मैदा लिया है। 1/4 कप मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ। थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे मिक्स कर लेंगे ठीक से। मिक्स करके इसमें इस तरह से बीच में जगह बनाएंगे। अब हम इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे। दही हमको ज्यादा खट्टा नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। कुकिंग ऑयल आप बने तक रिफाइंड लीजिए, तो इसमें ऑयल का फ्लेवर नहीं आएगा। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डालेंगे। केक हो, पिज्जा हो, कपकेक हो, इन सब में हम जिसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, उसमें अगर मैं जिस हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स दिखा रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल बाहर जैसी और परफेक्ट बनेगी। इसलिए ऐसी रेसिपी में मैं आटे का और बाकी इंग्रेडिएंट्स का जो माप दिखा रही हूँ आप उसी हिसाब से मेजरमेंट लीजिए। इन सबको हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स करके एक गुनगुने पानी से पिज्जा का डो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे पनीर बनाया हुआ छेने का पानी पड़ा था, मैं वो यूज कर रही हूँ डो तैयार करने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार करेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है इसमें। हमको आटा थोड़ा गीला ही रखना है। देखिए आप आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह से हमको ढीला और रनी आटा बनाना है। इसे हम गीले कपड़े से ढक के आधा घंटा रेस्ट करने देंगे, तब तक हम पनीर और ग्रेवी तैयार करेंगे। पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप सिका हुआ बेसन लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। 1 चम्मच गरम मसाला। अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। आप चाहे तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1.5 चम्मच और मैंने 1/4 कप यहाँ पे दही लिया है। 1/2 चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे इसमें। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप नींबू का जूस नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बेसन और सारे मसालों को मिक्स करके हम इस तरह का पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, नहीं तो ज्यादा गाढ़ी नहीं तो पतली। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और एक बार पानी में उबाल दिया था जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। इसको हम मैरिनेट वाले बैटर में डाल देंगे। इसको इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स करके 1/2 घंटा रेस्ट करने देना है हमें, जिससे सारे मसाले इसमें उतर जाएंगे। इस तरह से बैटर में पनीर को मिक्स करके अब हम इसे 1/2 घंटा रख देंगे रेस्ट करने के लिए। पिज्जा की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम रखा है, जिसमें मैं 1.5 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं पिज्जा सॉस 1/2 कप ले रही हूँ। पिज्जा सॉस बनाने की रेसिपी मैंने मेरी चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसकी वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे मैं 1/4 कप व्हाइट पेस्ट डाल रही हूँ, जिसको मैंने बनाने के लिए 6 से 7 काजू को 1/2 कप मिल्क में 2 उबाल लाके 5 से 6 घंटे भिगो दिया था और उसको पीस के पेस्ट बनाई है। 2 चम्मच मैं मलाई डाल रही हूँ इसमें। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं बाहर का। 1 चम्मच ऑरेगेनो डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा पतला करने के लिए हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे उबाल लूंगी। पिज्जा की ग्रेवी को हमेशा थोड़ा गाढ़ा रखें। थोड़ा नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस कंसिस्टेंसी में होते ही हम फ्लेम को बंद करके नीचे उतार देंगे इसे।
हाफ आवर हो गया है पनीर को मैरिनेट किए हुए। अब हम एक पैन को गरम करके इस तरह से इसको पैन में रख देंगे। अब स्लो फ्लेम पे इसे हिलाते हुए थोड़ा पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमारा जो मैरिनेट किया हुआ बैटर है वो पनीर में थोड़ा थोड़ा लग जाए, इतनी देर तक ही हम इसे पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे इसे पकाते हुए सिर्फ एक मिनट जितना ही होगा। देखिए एक मिनट हो गई है, इससे ज्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है, इससे भी थोड़ा पतला रखेंगे तो चलेगा। फ्लेम बंद करके अब हम इसे नीचे उतार देंगे। हम पिज्जा का भी बेस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए आटे को हम थोड़ा मसल लेंगे हाथ से, हल्के हाथों से ही मसलना है इसे, देखिए इस तरह से। अब इतने आटे में से हम दो बेस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं इसके दो हिस्से कर लूंगी। इसमें से एक हिस्सा लेके इस तरह से हम पेड़े जैसा इसका लोया तैयार करेंगे। देखिए लोया तैयार हो गया है। अब हम इसे सूखे आटे की मदद से हाथ से ही थपथपा के बड़ा करेंगे। इसको हमको बेलन से नहीं बेलना है। पिज्जा बेस का जो आटा हम तैयार करते हैं वो बहुत ही रनी होता है, इसलिए हम इसे बेलन से नहीं बेलेंगे, इस तरह से फिंगर की मदद से ही इसे बड़ा करेंगे और शेप देंगे। पिज्जा के बेस का हम जो आटा गूंथते हैं उसको ऐसा पतला और रनी रखने का रीजन ये है कि ये इस वजह से फूलता भी अच्छे से है, उसमें जाली भी अच्छे से पड़ेगी और ये खाने में भी सॉफ्ट इतना बनेगा। इसलिए भले इसे बेलने में थोड़ी हमें देर लगे पर आटा हमको इसे पतला ही रखना है। अब इसमें थोड़े फोक से इस तरह से होल कर लेंगे ताकि इसमें बबल्स नहीं पड़े। अब इस पिज्जा बेस को हम एक प्लेट में इस तरह से सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम की एक प्लेट ली है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। बस इसे ऑयल से थोड़ा ग्रीस करना है नीचे से। अब हम इसमें पिज्जा की जो ग्रेवी तैयार की थी वो डालेंगे। इस तरह से इसे स्प्रेड कर लेना है पूरे पिज्जा बेस में। आज का जो इंग्रेडिएंट्स का मैंने मेजरमेंट दिखाया है उस हिसाब से आपके दो पिज्जा तैयार हो जाएंगे। एक पिज्जा बेस में हम कम से कम 3 से 4 चम्मच ग्रेवी लगाएंगे। ग्रेवी लगाने के बाद हम इसमें चीज डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ी ग्रेटेड चीज ली है और थोड़ी मैं मोजरेला चीज ले रही हूँ। चीज आप अपनी तरह से ज्यादा या कम भी ले सकते हैं। चीज को इस तरह से पूरे बेस में फैला लेंगे। अब हमने जो मैरिनेट किए हुए पनीर थे वो इसमें सेट करेंगे। अब इसे हम कुकर में सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे इडली स्टीमर में नमक और स्टैंड रख के इसे 5 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया था। अब पिज्जा को इसमें सेट करके 20 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे बेक होने देंगे। 20 से 22 मिनट हो गई है, अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। देखिए हमारा पिज्जा तैयार हो गया है। अब इसे कुकर में से निकाल के सर्व करेंगे। देखिए कितना चीजी और बिल्कुल बाहर जैसा पिज्जा तैयार हुआ है हमारा। देखिए लुक वाइज ये कितना टेस्टी और यमी लग रहा है ना। खाने में भी ये बिल्कुल बाहर जैसा है, चीजी, यमी और टेस्टी, और वो भी पनीर के साथ। अगर आपके पनीर बच भी जाते हैं तो आप इसे पनीर टिक्का बना के भी खा सकते हैं। इस तरह से आप पिज्जा की ग्रेवी बना के एक बार पिज्जा बना के देखिए, सच में सबको बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी से जुड़े हुए आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।